खबर कानपुर से। कानपुर नगर के चमनगंज थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े हुई चोरी ने जहां एक ओर लोगों को हतप्रभ कर दिया, वहीं दूसरी ओर दिन दहाड़े चोरी की घटना को अंजाम देने वाले चोरों के हौसले बुलंद हैं। पूरा मामला चमनगंज थाना क्षेत्र का है, जहां पीड़ित आमिर पुत्र इश्तियाक अहमद ने घटना के बारे में जानकारी दी और बताया कि वो दोपहर लगभग 12 बजे घर पर ताला बंद करके किसी कार्य से बाहर चला गया था। शाम 7 बजे वापस आने पर उसने देखा कि घर पर लगा हुआ ताला टूटा हुआ है। वो अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि अलमारी खुली पड़ी है और घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। संबंधित मामले की जानकारी तहरीर के माध्यम से थाना चमनगंज में प्रार्थी द्वारा दी गई। आमिर ने बताया कि नकदी और सोने चांदी के जेवरातों को मिलाकर कुल 6 से 7 लाख रुपए का नुकसान होने की संभावना है। देखने वाली बात यह है कि प्रशासनिक अमला दिन दहाड़े होने वाली चोरियों पर किस प्रकार अंकुश लगाता है। वहीं चोरी करने वाले चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि रात के अंधेरे को ही नहीं, अब तो दिन के उजाले में भी चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम देने लगे हैं। शायद उन्हें पुलिस का डर बिल्कुल नहीं है। चमनगंज पुलिस ने प्रार्थना पत्र लेकर पीड़ित को कार्रवाई का आश्वासन दिया। मैं बकरमंडी बजरिया ऑटो पार्ट्स की दुकान में काम करता हूँ। कल मैं दिन में 12 बजे अपने घर से निकला, ताला लगा गया और जब मैं रात को 9:15 बजे लौट के आया हूँ तो मेरे मेन गेट का ताला टूटा हुआ था, उसके बाद लॉकर का ताला टूटा हुआ था, उसमें सारी जितनी ज्वेलरी नकदी सोने चांदी का जितने भी सामान था वो सारा गायब था। कितने का सामान हुआ लगभग? कुछ लगभग ये करीब 6 से 7 लाख रुपए का मेरा टोटल सामान था। इसकी शिकायत आपने कहाँ की? इसकी शिकायत मैंने चमनगंज थाने में कल रात को 10 बजे की थी। क्या कार्रवाई का आपको मिला? कार्रवाई कुछ आगे बढ़ी है, आज सुबह वो लोग आए थे, थोड़ी छानबीन करी ने, उसके बाद उनका कुछ सही जो होगा वो हम आपको। बिल्डिंग में करीब 10 फ्लैट हैं जिसमें 7 फ्लैट में लोग रहते हैं। आप लोग घर पे नहीं थे उस समय जी? हाँ, वो मेरी वाइफ ही रहते हैं, दो ही लोग, तो वाइफ मायके में थी तो मैं इस टाइम अकेले ही रह रहा था। तो मैं काम से 12 बजे चला गया था ताला लगा कर, जाने के बाद तो लौट के आया हूँ रात में दुकान बंद करके, तो सब सामान निकल चुका था, सारे ताले टूट चुके थे, दरवाजे ऐसे ही खुले पड़े हुए थे, ना किसी ने लॉक किया। कानपुर से कमर आलम की रिपोर्ट, JK News।